राजस्थान के श्री दिगंबर जैन सहस्त्रकूट विज्ञा तीर्थ गुंसी में 20 मार्च को गढ़नी आरिका रत्न श्री विज्ञा श्री माताजी सत्संग का आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के तीन मुनि रत्नों से वात्सल्यमय मिलन हुआ। गुंसी समाज इस मंगल मिलन का साक्षी बना। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के तीन मुनि रत्न मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज, मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज एवं मुनि श्री यतीन्द्र सागर जी महाराज ससंग मंगल विहार करते हुए राजस्थान के गुंसी स्थित श्री दिगंबर जैन सहस्त्रकूट विज्ञा तीर्थ पहुँचे, जहाँ गणिनी आर्यका रत्न श्री विज्ञा श्री माता जी ससंग ने मुनि संघ की अगवानी की। इसके बाद मुनि संघ ने विज्ञा तीर्थ में प्रवेश किया। तीर्थ का अवलोकन करने के बाद भक्तों को मुनि संघ एवं आर्यका संघ के सानिध्य में प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर मिला। अब वह अवसर भी आया जब गुरु माँ की मुनि संघ से तत्व चर्चा भी हुई। विषय विषय के सन्निपात में उसके बाद में अपना ज्ञान लगाता हूँ, इससे जानता हूँ लेकिन उन्होंने कहा कि यदि तुम सत्ता सामान्य से इसको जानोगे, दर्शन उपयोग से पहले इसको सत्ता सामान्य को जान दो, तो फिर आपके प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, हर वस्तु का जब भी हम ग्रहण करते हैं तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण किया जाता है। तो आपका सामान्य और विशेष एक साथ ग्रहण हो जाएगा, तो छद्मस्तों के भी दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का एक साथ आने का प्रसंग हो जाएगा। आचार्य श्री के शिष्यों को पाकर गुंसी समाज की खुशी देखते ही बनी। सभी ने मुनि संघ और गुरुमा संघ से आशीर्वाद लिया। जैन फोकस के लिए गुंसी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।